और जो स्टेटमेंट कह रहा है वो कह रहा है द इम्पोर्टेंस डैश द मनी और यहां पर किसका यूज होगा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला तो वो यहां पर for कह रहा है फॉर का मतलब होता है purpose. किसी काम को करने का पर्पस और जो कि यहां पर बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहा है एंड दैट्स व्हाई फॉर इज कैंसल नेक्स्ट इज ऑप्शन सेकंड मींस विथ विथ क्या दिखाता है दोस्तों तो विथ यहां पे यूज होगा कनेक्टिविटी के लिए इसका मतलब जो आपकी इंपॉर्टेंस है वो मनी के साथ कनेक्टिविट है जबकि आगे आपको देखो वो लव के साथ भी दिखा रहा है इंपॉर्टेंस दैट्स नो कनेक्टिविटी इज 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 मनी एंड दैट्स द करेक्ट फॉर्मेशन नॉट नेक्स्ट ऑप्शन नंबर थर्ड मीन्स ऑफ ऑफ क्या दिखाता है ऑफ दिखाता है पजेशन मीन्स जिस पर जिसका कनेक्ट हो अधिकार हो और यहां पर बिल्कुल जो इंपॉर्टेंस जो मनी है उसका इंपॉर्टेंस पर पूरा अधिकार है पूरी कनेक्टिविटी पूरा पोजिशन दिखा रहा है ऑप्शन का यूज हम लोग कहा करते हैं अबाउट का यूज हम लोग नियर बाय या फिर अप्रोक्स ऐसी चीजें दिखाने के लिए हम नियर अबाउट का यूज करते हैं तो दोस्तों ये दोनों कंडीशन यहां पर नहीं है एंड दैट्स वाय ऑप्शन फोर्थ मींस डी आल्सो दोस्तों से ऑप्शन so, दोस्तो, क्लियर हो गए होंगे लेके नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन ऐसी ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करिए डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ आरोप